था सुबह सुबह, मेरा दिल कर रहा था कि मॉर्निंग में नाश्ता करने चलते हैं। एक तो मेरा दिमाग वहीं से ख़राब हुआ, दूसरा मैं दिल से खुश ना हूँ तो फिर आपका नहीं दिल करता कुछ भी करने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो मैं कब शूट कर रही हूँ, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है रात के 4 बजने वाले हैं और मैं अभी शूट कर रही हूँ ये वीडियो। सो रही नहीं? नहीं। क्यों? मुझे भूख लग रही है। अभी मैंने ख्वाब देखा है। क्या? कि मैंने कोई बाहर का नाश्ता किया। 4 बजे कौन सा नाश्ता? वो अब 5-6 बजे करने चलते हैं फिर। चलो थोड़ी देर सो जो फिर चलते हैं। कितना देर सो जाऊं? फिर खुद ने उठाना ही नहीं है मुझे। चलते हैं बाहर खड़े हैं। बाहर नाश्ता? Are you sure? अगर तुम्हें 2-3 घंटे तक कुछ दिया। यार ना करो यार, ऑफिस का काम अभी हुआ है कि नहीं खत्म? तो करीबन होने वाला है। ओके ये जी बज रहे हैं रात के 4 और मुझे नींद नहीं आ रही, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ वॉशरूम के लिए। और मैंने उठ के ख्वाब देखा है कि नहीं, उठ के ख्वाब नहीं, सो के ख्वाब देखा है कि मैं कुछ खा रही हूँ, मतलब पूरी हलवा चने, और अब मुझे नींद नहीं आ रही। अब मुझे दिल कर रहा है मैं वही खाऊँ, मेरे पास पड़े हो, गला मेरा ठीक नहीं हो रहा, चस्के मेरे ख़त्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मसला है। ओरियो कहाँ है? ओके तो वह अभी खाने के लिए बाहर गया, उसको भी मेरी तरह भूख लग गई। आप तमाम लोगों से मिलेंगे सुबह, यानी कि जब मैं उठूँगी, जब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। देखते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही, जब तक मैं कुछ खा नहीं लेती। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तू आ जा पहले, ये है जी ओरी। और एज यूजुअल यूसुफ की सुबह भी आंख नहीं खुली, और यहाँ पे जी रात के कपड़े धुले हुए हैं, तो मैं ये उतारने के लिए आई थी पर दिल नहीं कर रहा कुछ करने का। आज सुबह से ही दिल ना अजीब सा हुआ है, कुछ सोच भी रही हूँ कुछ नहीं भी सोच रही। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताइएगा मुझे कि क्यों ऐसा होता है। जी यहाँ पर जी मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ, अभी छत पर आई हूँ और थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ है भी लेकिन फिर भी उदास होता है दिल अंदर से, दिल करता है कि कुछ ना करें? और डेली व्लॉगिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं है, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करते रहना, कभी कभी इंसान ना फेडअप हो जाता है। और अभी मेरी वही वाली सिचुएशन हुई हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाला हिसाब है ना, छेड़ मलंगा नुके, किसी ने अभी छेड़ा तो बस फिर मैंने उस पर शुरू हो जाना है, या मुझे बहुत गुस्सा आना है या मैंने रोने लग जाना है। तो अभी आ गई ऑफिस और यहाँ पर कर रहे हैं हम काम शाम, ठीक है। और अभी बाहर जाना है शूट पे, थंबनेल आपने देख लिया होगा। कभी कभी पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता। ये जी व्लॉग मैं अभी बना रही हूँ, देख लो मेरा ऑफिस ये ऐसा होता है। और यहाँ पर हम काम करेंगे, यहाँ पे जी साथ साथ काम भी किया जा रहा है और साथ साथ अपने कोलीग्स के साथ बात भी की जा रही है। और ये मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। सो मेरा आज ना तो ऑफिस जाने का मन था, ना मेरा आज कोई काम करने का दिल था, ना मेरा किसी से बात करने को दिल था। और पता नहीं क्यों आज क्या गंदी वाली सिचुएशन थी। थोड़ी सी सर्दी जो है वो कम है, लेकिन फिर भी मैंने कोट पहना हुआ है क्योंकि बाहर जाना होता है, तो मैं भी शायद सर्दी ना लग जाए इस वजह से। ना सुबह सुबह मेरा दिल कर रहा था कि मॉर्निंग में नाश्ता करने चलते हैं, एक आउटिंग भी हो जाएगी, ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और इतने दिनों से मैंने पूरी हलवा चने नहीं खाए, एक तो मेरा दिमाग वहीं से ख़राब हुआ, दूसरा मेरा फिर सारा दिन जो है ना वो व्लॉगिंग में दिल ही नहीं किया। क्योंकि जब आपके साथ कोई ना हो व्लॉगिंग के लिए तो, और आप दिल से खुश ना हो तो फिर आपका नहीं दिल करता कुछ भी करने का। अभी दोस्तों जा रहे हैं शूट वाली लोकेशन पे, लिबर्टी मार्केट, वहाँ पे जाके प्रोग्राम करेंगे। अभी जी मैं आ गई हूँ लिबर्टी मार्केट में,
प्रोग्राम करने के लिए। घर आ गई हूँ और क्या कहते हैं, आज का दिन बहुत बकवास गुजरा, बहुत ज़्यादा बकवास गुजरा। ठीक है, नाइट में जब मैंने 4 बजे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि तब मेरी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी, इट्स नॉट अबाउट के नाश्ता एंड ऑल दैट जो भी है, इट्स नॉट अबाउट, लेकिन कभी कभार ना आपकी कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो, आपके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ ना हो, तो आपका दिमाग घूम जाता है। तो मेरे साथ भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही हुआ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ना इस सिचुएशन में होती हूँ, बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनको ये तमाम चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो या तो मेरी लाइफ में इतना होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो एक्सट्रीम लेवल का ना मैं उदास हो जाती हूँ, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, बस कुछ ना कुछ मैं सोचना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़िंदगी में कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं है। और ऐसा होता है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है, और आपका दिल करता है कि कोई आपको समझे आपके बिना कहे ही। तो मेरे साथ आज ऐसी सिचुएशन हुई, और बस एक बहाना ही था, जो नाश्ता वाला था वो बहाना ही था, लेकिन ना पता नहीं दिल में पता नहीं कब से कोई ना कोई गुबार था, जो कि आज मुझे ऐसा लगता है निकल चुका है या निकल रहा है, ये वाली सिचुएशन है। और मैं आपको सही बताऊँ तो डेली व्लॉगिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं है, एडिटिंग करनी होती है, व्लॉगिंग करनी होती है, साथ साथ अपनी जॉब को लेके चलना होता है, वो भी परफेक्ट करना होता है, साथ साथ अपने आप का ध्यान रखना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, नो डाउट साथ दिया जाता है पार्टनर की तरफ से, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो कि मेरा शौक़ है, तो अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपनी थकावट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अभी भी मैं आई हूँ, आके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, अभी अपलोड होगा मेरा ये व्लॉग, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर खुद ही बोझ डाला हुआ है, और खुद ही जो है ना, और जो मेरा शौक़ भी है, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, और कभी कभार रोना भी आता है एक्सट्रीम लेवल का, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर भी नहीं कर सकते। अगला बंदा कहेगा यार ये तुम बंद कर दो, फिर बंद कर दो। और जब आपका शौक हो और कोई आपको कहे कि ये बंद कर दो, तब भी आपको गुस्सा चढ़ेगा, समझ रहे हो आप समझ रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी शायद आप समझ रहे हो ये तमाम चीज़ें। तो जो लोग मेरी इस बात से रिलेट करते हैं ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कल का व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह मैं जो है ना फ्रेश होकर और बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके बनाऊंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी कभार होती है, नॉट ऑल टाइम। हम भी इंसान हैं, हम भी दुखी होते हैं, और हमारे अंदर भी दिल है जो कि धड़कता है, और हम भी कभी जो है ना फील कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तमाम लोगों से बातें शातें करनी हैं, लेकिन रहे है कि जो मेरे आज के दिन के हिसाब से कुछ कहना चाहते हैं और मुझसे रिलेट करती हैं मेरी प्यारी प्यारी सी ऑडियंस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। तो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अंजिया। अल्लाह हाफिज़।